हम सिंधु में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे, और ये मेहरबानी मेरे हम वतनों पाकिस्तानों की है, हमारे सिंधु वालों की है, सब लोगों की है जो इस गाने को इतना प्रमोट किया, सुना, बहुत इज्जत दी हमारे पाकिस्तानियों ने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, चाहने वालों का, क्योंकि वो चाहने वालों की वजह से आर्टिस्ट होता है। किसी का लिखा हुआ था, मैंने उसमें थोड़ी तरतीब वगैरह थोड़ी बहुत तो करते हैं हम आर्टिस्ट, तो थोड़ी तरतीब की थी, मुझे अच्छा लगा। और हमारी सिंध का कल्चर था और हमारी सिंध की तहजीबियों की बातें थी, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने गा दिया। पल्ला मछली हमारे सिंधु किनारे पे मिलती है, अच्छा होता है वो, थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हमारे सिंधुड़ी आम होते हैं तो वो आपको पता है, तो वो सबसे अलग होते हैं। पल्ला भी हमारा जो है तो बहुत अच्छा होता है, और उस दरिया के किनारे पे मिलता है। तनकीद भी करते हैं बहुत, तनकीद का मुझे परवाह नहीं होती है। तनकीद तो आपको पता है, जो नाम होता है मशहूर होता है तो उसके पीछे तनकीदें होती है। मैं 11 साल से गा रहा हूँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हैं, मगर उसका परवाह नहीं होती है मुझे कोई। आर्टिस्ट अंदर से कितना मासूम होता है आपको पता है, हम जब फंक्शन पे जाते हैं तो पीछे से कितने भी मसले हो जाते हैं, हम मुस्कुराहट के स्टेज पे आते हैं, जब मुस्कुराते हैं गाते हैं उनकी खुशियों में डबल खुशियां करते हैं, मगर लोग फिर भी हमें तकलीफ़ देते हैं, इस बात का मुझे दुख होता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैंने पहले भी बात की तो मैं अपने फैंस और अपने चाहने वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो जिन लोगों ने मुझे इतना सुना और इतनी मोहब्बत दी और बहुत प्यार दिया।